दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नव संडे न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसम विभाग लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार मानसून दस्तक देने वाला है इस माह में और जल्दी होने वाली है झमाझम बारिश। तो आई जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश दुनिया की सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से और अपडेट रहे मानसून के ताज़ा पूर्वानुमान से। तो चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या है मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। दोस्तों गर्मी से मिलेगी जल्द राहत, इस महीने से होगी झमाझम बारिश। भारतीय मौसम विभाग IMD का कहना है कि अलनीनो की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है और इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। मानसून को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग IMD का कहना है कि अलनीनो की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है, इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है और अगले कुछ महीनों में ये और कमज़ोर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मानसूनी बारिश का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस मानसूनी सीजन में देश में लंबी अवधि के औसतन की 96% बारिश संभव है। इसके पहले आशंका थी कि अलनीनो की वजह से मानसून पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग मानसून का अगला अपडेट जून के पहले हफ्ते में जारी करेगा। तो आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाने से अपडेट रहें आप इस प्रकार के ताज़ा व मानसूनी अपडेट से व अन्य बड़ी खबरों से। दोस्तों अर्थव्यवस्था पर मानसून का सीधा असर ग्रामीण आबादी पर पड़ता है। मानसून सामान्य और अच्छा रहने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ती है, जिससे मांग में तेजी आती है और ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिलता है। दोस्तों 1951 से 2000 की बात करें तो देश में बारिश का लॉन्ग पीरियड एवरेज 89 सेंटीमीटर रहा है। इससे पहले मौसम के बारे में जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान दिया गया था कि जून से सितंबर के दौरान सीजन में सामान्य की 93% बारिश होगी। हालांकि एजेंसियों का यह मानकर चलती है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, 5% ज़्यादा या कम अंतर आ सकता है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मानसून का, यानी कि जून में दस्तक देगा मानसून और इसके लिए पहले हफ्ते में पूर्वानुमान जारी करेगा भारतीय मौसम विभाग IMD कि किस तारीख को कहां कहां होगी बारिश। तो बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार की अपडेट जानकारी को प्राप्त करने के लिए। अब चलते हैं, जान लेते हैं आज के मौसम को कि कैसा है 11 मई का मौसम और कहाँ होगी आज बारिश, कहाँ रहेगा मौसम शुष्क। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की उम्मीदें हैं, जबकि बाकी बचे पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। वहीं जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी के आसार है। पंजाब के अधिकांश जगहों के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कुछ स्थानों पर गरज के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। केरल और तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश जारी रहेगी, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश जारी रह सकती है। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आज के मौसम का एवं मानसूनी अपडेट का। इस वीडियो को आप इसलिए शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके इस ताजा अपडेट को और सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।